हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भोजपुरी फिल्म के बहुत ही अच्छे डायरेक्टर जिनका नाम है पराग पाटिल, उनकी फिल्मोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फिल्में लिखी हैं, काफ़ी फिल्में डायरेक्ट की हैं और इन्होंने भोजपुरी फिल्मों के साथ एक हिंदी फिल्म में भी डायरेक्ट की हैं। आइए बात करते हैं कि इन्होंने टोटल कितनी फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे फॉलो करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहाँ भी डिमांड रख सकते हो। पराग पाटिल ने वैसे काफ़ी फिल्में डायरेक्ट की हैं, पर उन्हें पॉपुलरिटी मिली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से और वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने डायरेक्टर बन चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं उनकी फिल्मोग्राफी। तो पहले नंबर पर जो फिल्म है वो उन्होंने डायरेक्ट की थी 2011 में, उस फिल्म का नाम था फौजी एक योद्धा। फिल्म में लीड रोल में थे शिवम। दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी थी और आपने देखी भी होगी। दूसरी फिल्म का नाम है मैदाने जंग और ये फिल्म रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2013 को। फिल्म में लीड रोल में थे भोजपुरी के एक्शन किंग यानी विराज भट्ट और काफ़ी अच्छी फिल्म थी। तीसरी फिल्म का नाम है गर्दा और ये फिल्म रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2014 को और इस फिल्म को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था। चौथी फिल्म का नाम है प्रशासन और ये फिल्म रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2015 को। वैसे तो फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई थी पराग पाटिल के द्वारा। पाँचवीं फिल्म का नाम है बहुरानी। फिल्म में फीमेल लीड थी अंजना सिंह। फिल्म रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2015 को और काफ़ी अच्छी फिल्म थी। ये फिल्म आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। छठी फिल्म का नाम है रंगदारी टैक्स। फिल्म में लीड रोल में थे भोजपुरी के एक बहुत जाने माने एक्टर जिनका नाम है यश कुमार मिश्रा और फीमेल लीड थी पूनम दुबे। ये फिल्म रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2017 को। सातवीं फिल्म का नाम है कसम पैदा करने वाले की। जी हाँ दोस्तों, कसम पैदा करने वाले की। इस फिल्म में लीड रोल में थे भोजपुरी के एक्शन किंग यश कुमार मिश्रा और फीमेल लीड थी निधिजा। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2017 को। आठवीं फिल्म का नाम है सरकाइलो खटिया जाड़ा लगे और ये फिल्म रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2018 को। इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था पराग पाटिल ने। नौवीं फिल्म का नाम था बाघी इश्क। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2018 को। काफ़ी अच्छी फिल्म थी और बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी जो कि रिलीज हुई थी 2018 को और इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था पराग पाटिल ने। दसवीं फिल्म का नाम है संघर्ष और संघर्ष भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई थी और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था पराग पाटिल के द्वारा। काफ़ी अच्छा डायरेक्शन था और इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी किया बॉक्स ऑफिस में 2018 में। फिल्म में लीड रोल में थे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल लीड थी काजल राघवानी, को स्टार थे अवधेश मिश्रा। तो दोस्तों ये थी उनकी फिल्मोग्राफी, यानी उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में टोटल 10 फिल्में बनाई हैं और काफ़ी शानदार फिल्में बनाई हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और डायरेक्टर के फिल्मोग्राफी के साथ या किसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेन फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।